हे वो सब गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खतरनाक क्रिएशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बिजमार कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जो कि गाइस, ये फोटो मैंने आज ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, तो फोटो के नीचे कुछ कमेंट भी आए कि इस पर ट्यूटोरियल लाओ। तो फाइनली गाइस, मैं इस पर ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ। और हाँ गाइस, आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का पोज देते हुए फोटो को क्लिक कराना है। तो फोटो मोबाइल फोन या डीएसएलआर किसी से भी आप क्लिक कर सकते हैं, बस आपका फोटो थोड़ा सा एचडी आना चाहिए। उसके बाद आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करना है। उसके बाद आपको टूल वाला ऑप्शन पर जाके आपको अपने फोटो को रिसाइज करना है ताकि आपका फोटो एचडी एडिट हो। और ये बात मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ गाइस। तो उसके बाद आपको करना क्या है, फोटो को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको ड्रॉ टूल का ही यूज़ करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे गाइस ड्रॉ वाले टूल पर। तो ड्रॉ वाले टूल पर जाने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बीजेमेयर का फोटो यहाँ से ऐड करेंगे। तो बीजेमेयर के फोटो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ के आप सिंपली आप बीजेमेयर का फोटो कटआउट है वो आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बीजेमेयर का जो फोटो है वो गाइज आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, जहाँ पर गाइज मैं कर रहा हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद सिंपली गाइज आपको कहीं पे भी टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा फोटो एडजस्ट हो चुका है अच्छी तरीके से। उसके बाद हम जाएंगे फिर से ड्रॉ वाले टूल पर। ड्रॉ वाले टूल पर जाने के बाद हमने जिस टाइप का पोज देते हुए फोटो को क्लिक करा था उसी फोटो को गाइज आपको कटआउट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी अपने फोटो को कटआउट कर रखा है। तो यहाँ से हम करेंगे फोटो को सिलेक्ट। उसके बाद हम डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम अपने फोटो को बैकग्राउंड से एडजस्ट कर देंगे। अगर आपको फोटो बैकग्राउंड से अच्छी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाता है गाइस, तो आपको करना क्या है, लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है। लेयर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद थ्री डॉट पर आपको ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। तो ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आप यहां से भी दोबारा अपने फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने अपना फोटो एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब हम कुछ पीएनजीज यहाँ से ऐड करेंगे गाइस। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको गाइस करना क्या है, यहाँ से गाइस ये वाला पीएनजी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आपको इसको थोड़ा सा गाइस क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको इसको अपने हाथ पर एडजस्ट करना है गाइस। ओके, तो ओपेसिटी कम करके ही आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद सिंपली इरेजर टूल सेलेक्ट करना है आपको। इरेजर टूल सेलेक्ट करने के बाद जो गाइस आपकी फिंगर्स हैं उस पर ही आपको इसको इरेज कर देना है ताकि हमारे फोटो में बहुत अच्छी तरीके से रियलिटी आए, ताकि हम लगें कि हम इस बॉक्स को गाइस पकड़ें। तो उसके बाद आपको इसकी ओपेसिटी फुल कर देना है। तो ऑटोमेटिक ये आपके हाथों में गाइस ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको जाना है यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से गाइस आपको पाइप को सिलेक्ट कर लेना है। तो पाइप को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इसको गाइस आपको छोटा करना है। छोटा करने के बाद इसको गाइस आपको अपने माउथ के पास एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली इरेजर टूल सेलेक्ट करना है। यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गाइस आपको अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट करने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम करेंगे गाइस थोड़ा सा फेस को स्मूथ, ताकि हमारा फेस अच्छे तरीके से यहाँ से स्मूथ हो जाए। उसके लिए हम जाएंगे ऐसे ब्यूटीफाई वाला ऑप्शन पर। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से स्मूथ वाला ऑप्शन मिलेगा, स्मूथ वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद इसको गाइस आपको अपने फेस पर ड्रॉ कर देना है। तो मतलब गाइस जब आप फेस पर ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक है जो आपका फेस वो यहाँ से स्मूथ हो जाएगा। तो गाइस बहुत बेस्ट लगता है ये वाला टूल, आप यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस अब आपको करना क्या, गाइस मैं आपको बताता हूँ। बीजेमेयर जो गाइस ग्लास पहना है उसको गाइस आप कैसे पहन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद मैंने बीजेमेयर का ग्लास है वो ऑलरेडी कटआउट कर रखा है। तो यहाँ से गाइस आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप अपने फोटो में इसको ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ से इसको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो जब मैं अपने फेस पर इसको ऐड करूँगा तो गाइज़ बहुत ही अट्रैक्टिव हमारा यह फोटो है, बहुत अट्रैक्टिव हमारा फोटो लगेगा यहाँ से। तो यहाँ से सिंपली आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो हमारी फोटो एडिटिंग थी वो यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, बट हमारा फोटो रिटच नहीं है। तो यहाँ से हम जाएंगे ड्रॉ वाले टूल पर। ड्रॉ वाले टूल पर जाने के बाद आपको सिंपली इस फोटो को गाइज़ आपको सेव कर लेना है। तो फोटो को सेव करने के बाद आपको इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करना है। उसके बाद आपको जाना है ऑल फोटोज़ पे। ऑल फोटोज़ पे जाने के बाद यहाँ से गाइज आपको अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ से फोटो को जूम करके देख सकते हैं जो बीजेमेयर का फेस है वो गाइज यहाँ से वाइट है, और जो हमारा है वो गाइज थोड़ा सा सनसेट इफेक्ट है। तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा वाइट। तो वाइट करने के लिए आपको सिंपली सिलेक्ट वाले टूल पर जाना है। तो ये वाला अनलॉक नहीं मिलेगा गाइज, तो इसका प्रीमियम वर्जन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लाइटरूम का, वहाँ जाकर इस प्रीमियम वर्जन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको ड्रॉ वाले टूल पर जाना है, और जो गाइज आपको अपने फेस पर इसको गाइज आपको ड्रॉ कर लेना है।
तो गाइस ऐसे ही आपको अपने फेस पर ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको थर्मामीटर वाला ऑप्शन मिलेगा, थर्मामीटर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसकी सेचुरेशन है वो गाइस आपको माइनस कर देना है। तो गाइस आपको अपने हिसाब से ही इसको माइनस करना है। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं गाइस थोड़ा सा हमारे सनसेट इफेक्ट है, वो गाइस हमारा फेस एकदम अच्छे तरीके से बिजमेट जैसा वाइट हो चुका है। तो गाइस यहाँ से हम करेंगे थोड़ा सा कलर करेक्शन, तो उसके लिए हम जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन पर, इसके एक्सपोजर को गाइस बढ़ाएंगे और लास्ट में जो ब्लैक ऑप्शन है इसको कम करेंगे और जो कंट्रास्ट का ऑप्शन है इसको भी गाइस आपको थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद आपको नीचे वाले टूल थर्मामीटर वाला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है और जो वाइब्रेंस है इसको थोड़ा सा कम करना है। उसके बाद आपको जाना है मिक्स वाले टूल पर। मिक्स वाले टूल पर जाने के बाद सेकंड वाला कलर सेलेक्ट करना है, इसकी सिचुएशन गाइस आपको कम करना है और जो ब्लू कलर है इसकी सिचुएशन गाइस आपको फुल माइनस कर देना है। तो इसको फुल माइनस करने के बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाले टूल सेलेक्ट करना है, इसकी गाइस आपको क्लियरिटी को बढ़ाना है और जो गाइस आपको थर्ड नंबर पे बिगिनर का ऑप्शन मिलेगा इसको गाइस आपको कम कर देना है ताकि हमारे चारों तरफ डार्कनेस आ जाए। उसके बाद नीचे वाले टूल सेलेक्ट करके इसकी शार्पनिंग को बढ़ा देना है, हमारे फोटो में अच्छी तरीके से यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं बीजेएमआर कॉन्सेप्ट हमारी फोटो एडिटिंग यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और गाइस शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।